ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। धनबाद के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां झरिया में जनसभा को संबोधित किया, वहीं बोकारो के चंदन कियारी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने हुंकार भरी है। दोनों ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर वार किया। देखिए रिपोर्ट। धनबाद के रण में शिवराज की हुंकार, करप्शन को लेकर इंडी गठबंधन पर वार, असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की दहाड़, भ्रष्टाचार के आलम पर होगा प्रहार। धनबाद के रण में बीजेपी के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धनबाद के झरिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर प्रहार किया। जेल में है जो बचे हैं वो जाने वाले हैं, ये छूटेंगे नहीं, इतना मैं वचन देने आया हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिसने जनता का धन खाया है, टैटुआ में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा, एक पैसा नहीं छोड़ा जाएगा। आप प्रधानमंत्री कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस धन को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। बेईमानों, तुम्हें पैसा नहीं खाने देंगे किसी भी कीमत पर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अटल जी ने झारखंड बनाया, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने इसे लूट खंड बना दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता झारखंड को लूटने में जुटे हैं। कोयला लूटा इनने, रेत लूटी इनने, पत्थर लूटा इनने, सरकारी योजनाओं का पैसा लूटा इनने, जमीन लूटी, कोयला घोटाला, भूमि घोटाला, रेत घोटाला, पत्थर घोटाला, झारखंड को लूट लिया इन बेईमानों ने। और इसलिए इस कुशासन को समाप्त करना, इंडी गठबंधन तो ऐसे लोगों का गठबंधन है जो भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल चले गए हैं या जिन्होंने इतने पाप किए हैं कि जेल जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने झरिया में हुंकार भरी तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बोकारो के चंदन कियारी में चुनावी सभा को संबोधित किया। हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आलम नहीं बचेंगे, एक एक कर सभी को जेल में डाला जाएगा। आलमगीर आलम का घर में जाने से नोटों का पहाड़ मिलते हैं। हमारा देश का ये हालत हो गया कि अभी पैसा हमारा हाथ में नहीं, आलमगीर आलम का हाथ में चला गया है। हमें ऐसे आलमगीर आलम को पकड़ के जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, बताओ, डालना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ आप लोग। तो इसीलिए ऐसा आलमगीर आलम को, जितना भी झारखंड में आलमगीर आलम है, ये आलमगीर आलम लोगों को पकड़ के जेल के अंदर रखने के लिए, जेल में लाने के लिए आप लोग मोदी जी को वोट दीजिए, ये मैं आप लोगों को विनती करता हूँ। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए असम के सीएम ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस को राजनीति करनी है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव में एनडीए 320 का आंकड़ा पार कर गया है। न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से अजय लाल और धनबाद से अमर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।